हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे केल्टन टेक के बारे में, केल्टन टेक्नोलॉजी के बारे में। एक्चुअली बाकी सब यूट्यूबर क्वार्टर 3 रिजल्ट आने के बाद वीडियो बनाते हैं, मैं पहले ही बना रहा हूँ और आपको कह रहा हूँ कि पहले बाय करो, क्योंकि उसके पीछे मेरा लॉजिक है। फ्रेंड्स, लॉजिक मेरा सिंपल है। क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आया क्योंकि अभी क्वार्टर रिजल्ट आने के पहले ये स्टॉक धीरे धीरे चल रहे हैं। जैसे ही क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आएगा एकदम जंप मार के भाग जाएंगे, बाद में हाथ में नहीं आएंगे, फिर हमें पछतावा रह जाएगा। तो थोड़ा बहुत रिस्क लेके हमें थोड़े बहुत शेयर बाय कर लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और उसका एनालिसिस भी करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है इस क्वार्टर से, कितना क्वार्टर रिजल्ट आ सकता है, तो उसके ऊपर हम डिसीजन लेंगे कि हमें मंडे को बाय करना है या नहीं करना है केल्टन टेक। फ्रेंड्स, इसका आज का क्लोजिंग था 113 रुपीज़ एंड 52 भी खाया था 135 रुपीज़। फ्रेंड्स, इसके कस्टमर यूएसए में है, यूरोप में है, एशिया पैसिफिक में है एंड कंपनी में अराउंड 1500 एम्प्लॉयज़ है। काफ़ी मतलब कंपनी बड़ी है और स्ट्रांग है। फ्रेंड्स, इसका पीई है 14 का, जो कि अच्छा खासा रीजनेबल है अभी भी। ईपीएस इज 8, वो भी काफ़ी रीजनेबल है। डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.19, कंपनी पर डेट भी काफ़ी कम है। इसका इंट्रेंसिक वैल्यू है 96 रुपीज़, तो अभी भी इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास ही मिल रहा है। ग्राहम नंबर इज 91 रुपीज़, अभी भी उसके आसपास ही मिल रहा है। ROCE इज 19%, जो कि काफ़ी अच्छा है एंड ROE रिटर्न ऑन इक्विटी इज 17%, वो भी काफ़ी अच्छा है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास है 53%, FII के पास है 0.65% एंड DII के पास है 3.25%, विच ऑल लुक्स क्वाइट कम्फर्टेबल। फ्रेंड्स, आपको याद होगा मैंने यही शेयर आप लोगों को पिछले 3 महीने में बार बार रिकमेंड किया था। 45 रुपीज़ पे भी किया था, 60 पे भी किया था, 80 पे भी किया था और ये पहुंच गया था 135 में। इन द जस्ट मैटर ऑफ 2.5 मंथ्स, मतलब 2 महीने में ये पैसा इसका डबल ट्रिपल कर दिया इन्होंने इन्वेस्टर का। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये गिरा क्यों था ये भी आपको याद दिला देना चाहता हूँ मैं। ये शेयर इसलिए गिरा था कि इसके कुछ प्रोमोटर ने अपना कुछ स्टेक बेचा था, तो एक इन्वेस्टर लोगों के मन में घबराहट हो गई कि इसका कुछ गड़बड़ होने वाली है, कंपनी बंद हो जाएगी या इसमें लॉस होने वाला है बड़ा कोई, इसीलिए प्रोमोटर ने स्टेक बेचा। तो प्रोमोटर ने 3-4% स्टेक बेचा था अराउंड 3-4 मंथ्स बैक। उसके बाद ये शेयर में लगातार गिरावट शुरू हो गई। 90 रुपीज़ का शेयर सीधा पहुंच गया था 40 रुपीज़ पर और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था लोगों को और बहुत दिनों तक कंसोलिडेट किया, बट अभी फिर से इसमें करंट आ गया है और फिर से ऊपर जाने का इसका सिलसिला शुरू हो चुका है। बिकॉज जब भी मैंने यही कहा था फ्रेंड्स, आपको पिछले वीडियो देखी आप, मैंने यही कहा था फंडामेंटली कंपनी साउंड है, सिर्फ इसी न्यूज़ के कारण इस शेयर में काफ़ी गिरावट आ गई, घबराहट फैल गई। बट बाद में देखा लोगों ने कि इसका परफॉर्मेंस कोई ख़राब नहीं हुआ है। जब इसका सितंबर क्वार्टर रिजल्ट आया उसके बाद में भी टाइम लगा इसको रिकवर होने में, पर बाद में इसमें जब लोगों ने कंपेयर किया कि एज कम्पेयर टू अदर आई टी कंपनीज इन द मार्केट, दिस कंपनी इज फंडामेंटली वेरी गुड एंड वेरी अंडर वैल्यूड, तो इसमें ज़बरदस्त बाइंग शुरू हो गई और देखते देखते यह शेयर 60 रुपीज़ से 135 तक पहुंच गया इन द मैटर ऑफ 15 डेज ओनली। तो फ्रेंड्स, अभी इसका जो क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है वो होने वाला है 8 फरवरी को, मतलब नेक्स्ट ट्यूसडे को, अगले मंगलवार को। तो उसके पहले आप मंडे को इसको बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसका कारण बताता हूँ। इसका अगर अपन एनालिसिस करेंगे हम लोग कि इसका क्वार्टर रिजल्ट कैसा आया था, तो फ्रेंड्स देखिए, इसका लास्ट दिसंबर में प्रॉफिट था 22 करोड़, फिर मार्च में प्रॉफिट था 19 करोड़, फिर सितंबर, फिर जून में था 16 करोड़ एंड सितंबर में था 17 करोड़। तो अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा, 22 करोड़, 19 करोड़, 16 करोड़ एंड 17 करोड़। मतलब इसका जो रेंज है प्रॉफिट का, अगर हम लोग देखें तो जनरली अबोव 15 करोड़ एंड अराउंड 20 करोड़। मतलब इसका अगर प्रॉफिट हम लोग अगर सोचते हैं कि अगर 18 करोड़ से 20 करोड़ भी आ गया तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिलेगी केल्टन टेक्नोलॉजी में। तो और वैसे भी देखिए फ्रेंड्स, या ये शेयर गिरने को तैयार नहीं है, आज भी मार्केट गिरा पर ऊपर ही गया फिर से, क्योंकि उसका कारण ऐसा है कि सब लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट का। क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है तो इसमें अपर सर्किट शुरू हो जाएंगे, हाथ में आएगा नहीं है शेयर, मंडे को भी हो सकता है इसमें तेज़ी देखने को मिले, क्योंकि ये अचानक ही बहुत करंट में आ गया है शेयर, काफ़ी लाइमलाइट में आ गया है। इसका अगर क्वार्टर रिजल्ट 18 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में कुछ भी आया तो फ्रेंड्स यही शेयर हमें बहुत ही शॉर्ट टर्म में, मतलब हार्डली मार्च अप्रैल तक आपको 200 के लेवल भी टच करते हुए दिखा सकता है। तो केल्टन टेक्नोलॉजीज़ को आप थोड़ा बहुत अगर रिस्क लेना चाहते होंगे तो मंडे को बाय करके चलिए।
जो लोग रिस्क करना लेना नहीं चाहते हैं तो ट्यूसडे को इसका रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद एंट्री कीजिए। कोई बात नहीं, एक आध दिन अपर सेकेंड लगेगा, बाद में भी आप बाय कर सकते हैं। बट इसको आप एक थोड़ा देखो, रिस्क लेना है तो आप 50, 100, 200 शेयर्स लेकर रिस्क ले सकते हैं। रिजल्ट ख़राब आया तो बेच के भी निकल सकते हैं, दोनों बात होती है। तो डिसीजन आपको लेना है। मैंने आपको बता दिया है कि इसका प्रॉफिट अगर 18 करोड़ से या 17 करोड़ से 20 करोड़ तक भी आया तो इसमें अच्छा रनअप देखने को मिल सकता है। एंड लुकिंग एट इट्स पास्ट परफॉर्मेंस लास्ट थ्री क्वार्टर्स, 19 करोड़, 16 करोड़ एंड 17 करोड़ था। तो 17 करोड़ से नीचे आने की उम्मीद मुझे कम ही लग रही है। बिकॉज देखिए फ्रेंड्स, IT कंपनी के जो क्लाइंट्स होते हैं जनरली तुरंत शिफ्ट होते नहीं है, कॉन्स्टेंट रहते हैं। उल्टा इनको अगर 2-4 नए क्लाइंट मिले होंगे पास्ट क्वार्टर में तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी हमें उसमें वो इसमें ऐड हो जाएंगे इनके प्रॉफिट में। तो डेफिनेटली इसका प्रॉफिट बढ़ सकता है इस क्वार्टर में, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। तो यू हैव टू टेक योर डिसीजन, यू हैव टू टेक योर कॉल एंड डिसाइड टू बाय केल्टन टेक ऑन मंडे और नॉट, बिकॉज ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जो कि काफ़ी अंडर वैल्यूड है और अच्छे वैल्यूएशन पे अभी भी मिल रही है। तो यू कैन थिंक अबाउट इट एंड बाय बिफोर क्वार्टर 3 रिजल्ट विच इज़ ऑन ट्यूजडे आफ्टर योर स्टडी। थैंक यू फ्रेंड्स।